एक आदमी रात को हाईवे पर ड्राइव कर रहा होता है कनाडा जाने के लिए, तभी उसे हाईवे के किनारे कुछ खौफनाक दिखाई देता है। उसे देखने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक रुकना होगा। तो चलिए आज की इस खौफनाक वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। अभी आप जो वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं उसे बहुत ही रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है। इसे 38 अप्रैल 2024 के टाइम पे रिकॉर्ड किया गया था। इसे एक अमेरिका के होटल में रिकॉर्ड किया गया था। इस होटल में ज्यादा गेस्ट नहीं आया करते थे, लेकिन इस होटल के एम्प्लॉय सारे रूम को साफ करते रहते थे। वैसे ही वो लोग एक दिन एक रूम को साफ कर रहे होते हैं, सफाई करते करते उनके सामने अचानक से सब कुछ बिखरा हुआ उन्हें मिलता है, जबकि उस रूम में कोई भी काफी दिन से रहने आया ही हुआ नहीं था। ऐसे ही एक दिन जब एक वर्कर उसके अंदर सफाई कर रही थी, तो उसे उस कमरे में बहुत ही क्रीपी और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाते हैं और अपने फोन के कैमरा को ऑन करके साइड में रख देते हैं, और फिर उनके कैमरा में क्या रिकॉर्ड हुआ आप ही देखिए। शर्मा मे दिखो के से वेइया उना पर्सोना इन ला हैबिटेशन 30 y le dije no y me dice está ocupada, le digo no, no la, se desocupó en la mañana y no hay nadie, yo misma fui a ventilar esa habitación y ahorita que voy pasando por acá me doy cuenta que sí es cierto, se ve una, se ve como que si estuviera, alguien se estuviera asomando en la ventana. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué hay ahí, pero se supone que no hay nada y sigue ahí viéndose. Aquí más cerquita. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve, se alcanza a ver una cara, unos ojos. Vamos a ver. Vamos a ver a esa habitación. Estamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada, a lo mejor por el reflejo de la luz. Y vamos a ver en la habitación. Aquí está la cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Y aquí está la tele, donde está, donde estábamos, donde se supone que se veía, pero no se ve nada. No entiendo qué, por qué se ve. ¡Ah! उस रूम के विंडो से कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसका फेस डॉल की तरह था और वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। उसके बाद वो रूम में जाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ वहाँ अजीब नहीं दिखता। लेकिन रूम के अंदर रहते हुए कुछ ही देर में उन्हें एक आवाज आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और उस रूम से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। आपको क्या लगता है इस होटल के इस रूम में आखिर क्या हो क्या रहा है? नंबर 4। इस वीडियो क्लिप के अंदर तीन फ्रेंड्स घर के अंदर बिल्कुल ही अकेले होते हैं। अचानक ही उन्हें नीचे वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके बाद डर के मारे उन तीनों में से एक ने फटाफट अपनी मम्मी को कॉल करा, और उसके बाद क्या हुआ आप ही देखिए। उन्हें नीचे से किसी चीज की बहुत तेज गिरने की आवाज आती है, जिसके बाद वो लोग खुद को एक रूम में बंद कर देते हैं और पुलिस को भी कॉन्टेक्ट कर देते हैं। उसके बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। फिर कुछ ये हुआ। पुलिस पूरे घर में चेक करती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है अपना काम करके, लेकिन वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करना बंद नहीं किए थे और पुलिस के आने से पहले उनके वीडियो में कुछ ये रिकॉर्ड हुआ था। Dude.
उनमें से एक लड़के को डार्क रूम में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो हमें कैमरा में दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ और ऐसी खौफनाक चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी, आप ही देखिए। अब स्टेयर्स के रेलिंग के पास में हमें एक फिगर मूव करती हुई दिखाई देती है, जो कि बिना कोई आवाज करे मूव कर रही थी। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में फ्लोट कर रहा हो। वहाँ पर एक फेस बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक हेड उड़ता हुआ दिखाई देगा। पुलिस के जाने के बाद इस घर का ओनर फटाफट अपना पेट लेता है और अपना सारा सामान पैक करके कहीं और चले जाएंगे। आखिर उस घर के अंदर ये सब अचानक से क्यों होने लगा, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में बताएं। नंबर 3, ये वीडियो एक YouTube चैनल टॉमी वेलपेड जून 10, 2011 को पोस्ट करी गई थी। इस वीडियो में वो लोग एक बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये काफी ज्यादा डरावना होते जा रहा था। ये लोग जब कैंडल्स जला रहे थे तभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है। Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Did you like the gossip you're gonna set for you after your birthday? Oh my god, Tommy, it's gonna start again. Oh my god, damn. It ain't gonna mess everything. It's gonna mess this up for everybody now. Come on, sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. It's ridiculous. Hey, I'm sorry, baby. Like it's okay. God, okay. We should have had this at Jerry's house. Okay. It's just the stuff is starting again. Right. I'm sorry, sweetie. You okay? I'm so sorry. Oh, God. What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room. Let's go. Oh, God. Oh, my God. This is it. Let's get out of here. Come on. वो आराम से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी किचन का टैब अचानक से अपने आप ही ऑन हो जाता है। फिर वो बेबी गर्ल को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे डोर्स एंड सेल्फ्स खुद से ओपन एंड क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है। इस वीडियो क्लिप पे और ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही टॉमी ने और कोई अपडेट दिया है, लेकिन आप लोग के क्या विचार है इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 2, ये वीडियो एक टिकटॉक यूजर ने शेयर करी थी। इस टिकटॉकर के घर में इनका दोस्त रात को सोने के लिए आया हुआ था। जब वो दोनों रात को सो रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर कुछ ये रिकॉर्ड हो जाता है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है और फिर कोई नॉकिंग करने लगता है। और स्टार्टिंग में उन्हें बाहर से भी आवाजें आ रही थी और फिर उन्हें पता चलता है कि ये आवाज उनके क्लोजेट से आ रही है। फिर वो क्लोजेट खोल के देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। इतना सब होने के बाद भी वो नहीं डरते और इस आवाज के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। कुछ दिन बाद उस टिकटॉकर को वापस से कोई आवाज सुनाई देती है और फिर कुछ कैमरा में ये रिकॉर्ड हो गया।
उसे एक रूम से आवाज आ रही थी और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रूम की ओर बढ़ता है। फिर वो रूम का गेट खोलता है तो सामने उसे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखती है जो कि कुछ ही सेकंड में बहुत ही तेजी से उसकी ओर आने लगती है और उसे देखकर डर के मारे उस रूम का दरवाजा बहुत ही तेजी से बंद कर देते हैं। फिर वो वहां से भाग जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनके घर में कोई रियल स्पिरिट रहती थी उनके साथ में या फिर कुछ और? नंबर वन, इस वीडियो को भी एक टिकटॉक यूजर ने ही शेयर किया था जो रात को सुनसान हाईवे पे ड्राइव करते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। इस वीडियो को उन्होंने अगस्त 6, 2021 को रिकॉर्ड करी थी जब वो रात में हाईवे से होते हुए कनाडा के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ ये देखने के लिए मिल जाता है। रोड के साइड में उन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो कि सफेद कपड़े पहनकर चल रही होती है, जो कि इतनी रात को किसी लेडी का वहां अकेला होना कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं थी। आखिर आपको क्या लगता है, क्या वो कोई लेडी थी या फिर कुछ और? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही हॉरर वीडियोस के लिए लेफ्ट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको हॉरर स्टोरीज या फिर ट्रू स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी राइट साइड आ रहे आइकन पर क्लिक करके मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देखें।